हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं श्रेया और मैं आपको बताने जा रही हूं कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर के बीच हुई कॉन्ट्रोवर्सी की पूरी कहानी। कहते हैं कि सक्सेस मिलना मुश्किल होता है और अगर मिल भी जाए तो इसे संभालना और भी मुश्किल हो जाता है। कुछ ऐसा ही होता हुआ नजर आ रहा है कपिल शर्मा के साथ। सभी के दिलों में बसने वाले कपिल शर्मा को आज उनके फैंस ही कर रहे हैं ट्रोल। आखिर ऐसा क्या हो गया, आइए हम आपको बताते हैं इस कंट्रोवर्सी की पूरी कहानी। इन सब की शुरुआत तब हुई जब 18 मार्च को सुबह सुबह बिना किसी खास मौके के कपिल शर्मा ने अपनी गर्लफ्रेंड की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। कपिल अपनी पूरी टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म करने गए हुए थे। वहां से लौटते वक्त फ्लाइट में कपिल ने क्रू मेंबर्स के साथ लड़ाई शुरू कर दी। इस बीच कपिल गाली गलौज भी कर रहे थे। उन्हें समझाने गए सुनील ग्रोवर को भी कपिल शर्मा ने नहीं बख्शा, उन्होंने उनके साथ भी मारपीट शुरू कर दी, यहाँ तक कि उन्हें गालियां भी दे डाली। इस बात के मीडिया में फैलते ही अगले दिन कपिल ने फेसबुक पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया। इसमें उन्होंने माना कि हाँ, वो सुनील ग्रोवर पर चिल्लाए थे, लेकिन कपिल को हर जगह से ट्रोल्स आने शुरू हो गए। फेसबुक के बाद कपिल ने ट्विटर पर सुनील से माफी मांगी, लेकिन सुनील ने अपनी बात से ये साफ कर दिया कि वो फिलहाल कपिल को माफ करने के मूड में नहीं है। उन्होंने कहा, पाजी हाँ, आपने मुझे डीपली हर्ट किया है, आपने दिखा दिया कि आपके पास पावर है और आप जब चाहें इस शो से किसी को भी बाहर निकाल सकते हैं, भगवान बनने की कोशिश मत करें। सुनील के इस जवाब के बाद कपिल ने कहा, उनकी अकल अब ठिकाने आ गई है और अब और भी मजा आएगा। वैसे हमें तो नहीं लगता कि सुनील कपिल की माफी के बाद इस शो पर वापस लौट पाएंगे। क्या कपिल गुत्थे के बिना ये शो चला पाएंगे? आपको क्या लगता है, नीचे कमेंट्स में बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए और पिंक विला हिंदी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।